देखो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई आपको स्मूथनेस का लिए एक अच्छा कॉस्टली फोन ही परचेस करना पड़ेगा। आप अपने एक लो एंड डिवाइस में यानी कि ओल्ड डिवाइस में भी अपने हैंग प्रॉब्लम को, स्लो प्रॉब्लम को फिक्स करके अपने स्मार्टफोन को एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ यूज कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कुछ एंड्रॉइड के हिडन सेटिंग्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो कि मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आज के वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लोग अपने स्मार्टफोन का जो स्मूथनेस है उसे आप लोग 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का मजा उठा सकते हो अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लोगे। सो फिर बिना ज्यादा बात करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले हिडन सेटिंग के तरफ। स्मार्टफोन को डीपली स्मूथ करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्मार्टफोन के सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यस, सेटिंग ऑप्शन को ओपन करने के बाद नीचे आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं एडिशनल सेटिंग में। और अगर नहीं पता है कि डेवलपर ऑप्शन होता क्या है, कैसे आपको इनेबल करना है, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको इसी वीडियो में मैं डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस डेवलपर ऑप्शन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप लोगों को नो प्रोसेस पे सेट कर देना है। और आप नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे फिर ऊपर तो आपको तीन एनिमेशन स्केल देखने को मिलेंगे जो कि विंडो एनिमेशन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों ही विंडो एनिमेशन स्केल डिफॉल्ट 1x रहता है, तो जिसको आप लोगों को 0.5x कर देना है। उसके बाद ये दोनों सेटिंग जैसे ही आप लोग डेवलपर ऑप्शन में कर दोगे तो आपका स्मार्टफोन पहले के मुताबिक बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। एक बार इस सेटिंग को ट्राई करके देखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग के तरफ। गाइस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का मजा उठाने के लिए नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके लिए नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहां पर क्लिक करके आप लोग ग्रे करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो तो आपका स्मार्टफोन पहले के मुताबिक बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा हमको सिखा रहा है, जोक था, सीरियसली मत ले लेना, बट हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस नेक्स्ट जो सेटिंग है उसमें हम लोग एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करेंगे जो कि प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है। लाइट वेट एप्लीकेशन है जिसको आप लोग इजीली इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन में अप्लाई करके रख सकते हो। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो को बस आप लोग एंड तक देखो। ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद सिंपली आपको वहां पर रिपेयर का एक ऑप्शन मिलेगा जिसपे सिंपली आपको क्लिक करना है। इस सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन पहले के मुताबिक बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और 120 हर्ट्ज का स्मार्टफोन में जैसा रिफ्रेश रेट स्मूथनेस मिलता है वैसा सेम आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो जरूर से इस सेटिंग को अपने स्मार्टफोन में आप लोग अप्लाई कर लेना और ऐप को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। एप्लीकेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस आपको पता होगा कि भाई आपका स्मार्टफोन में जब बैकग्राउंड में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं आपका स्मार्टफोन हैंग होता है, स्लो चलता है, कभी कभी लैग करने लगता है। सो गाइस आपको अपने स्मार्टफोन के बैकग्राउंड को बहुत हद तक फ्री रखना है, जितना हद तक आपसे पॉसिबल हो उतना हद तक आप लोग को अपने स्मार्टफोन के बैकग्राउंड को फ्री रखना है। अपने स्मार्टफोन को फ्री रखने का सबसे बेस्ट जो तरीका है उसके लिए गाइस सिंपली आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना है आपके स्मार्टफोन में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन का नाम मैं भूल जा रहा हूं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद फोकस मोड देखने को मिलेगा, या फिर आप लोग सेटिंग के सर्च बार पे सर्च करना फोकस मोड तो आपको देखने को मिल जाएगा। फोकस मोड पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको वहां पर अननेसेसरी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि मेरे बोलने का मतलब यह है कि भाई जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशन है जिसको आप लोगों को इंस्टॉल करके रखना भी है और बहुत कम भी आप यूज करते हो, बहुत कम यूज करते हो, उन सारे एप्लीकेशन को यहां पर सिलेक्ट करके फोकस मोड को इनेबल कर दो। और जब भी आप लोगों को उस एप्लीकेशन को दोबारा कभी यूज करना होगा तो फोकस मोड को ऑफ करके उस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। तो गाइस आपका जो वो सारा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपका स्मार्टफोन स्लो प्रॉब्लम को, हैंग प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मेंटेन रखेगा। तो गाइस इस सेटिंग को जरूर से कर लेना। सो यही थे कुछ स्मार्टफोन के हिडन सेटिंग जिसके थ्रू आप लोग अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को स्मूथ कर पाओगे, पहले के मुताबिक हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, स्लो प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। सो गाइस इन सारे सेटिंग को जरूर से आप लोग अप्लाई कर लेना। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि पहले जैसे मैंने बोला था डेवलपर ऑप्शन को कैसे आप लोग इनेबल कर सकते हो या फिर उस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना जो कि आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन का नेम बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नेम है रिपेयर सिस्टम, इसके बाद कुछ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस एप्लीकेशन को जाकर आप लोग प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल करके अप्लाई जरूर से कर लेना अपने स्मार्टफोन को स्मूथ करने के लिए। और डेवलपर ऑप्शन के लिए तो गाइस आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, वहां पर मेरे प्रोफाइल में आपको 3 नंबर पे या 2 नंबर पे डेवलपर बोलकर एक स्टोरी लगा रहेगा, हाईलाइट जिसको बोलते हैं, उस वहां पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख लेना तो कैसे डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना वो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वहां पर जाकर आप लोग इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो भी कर सकते हो, अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ जो कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे।
और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मेरा एक एम था कि भाई 10K सब्सक्राइबर जब मेरे चैनल पर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं एक ब्लॉग चैनल खोलने का मतलब तैयारी करने वाला हूं। तो मेरा ब्लॉग चैनल ओपन भी हो गया है, तो गाइस ब्लॉग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप मुझे पसंद करते हो, मुझे देखना पसंद करते हो, तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही जल्दी यानी कि कल ही शाम को या फिर परसों आपको देखने को मिल जाएगा एक न्यू ब्लॉग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। सो गाइस जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन। गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।